Now, children, we will learn about some sentences. Look here, sentences. You know that there are 26 letters in English alphabet. You all have learned all the alphabet. That's why you are reading now with sounds. A to Z capital kare aapne, small letters, theek hai? We join letters to form words. Hum sab letters mein se, जैसे हमने डी ए वाई है उनको ज्वाइन किया तो एक वर्ड बना है ना डे फॉर्मली फैमिली तो इसमें हमें सब जॉइंट लेटर्स से हम वर्ड्स बनाते हैं क्या बनाते हैं यस दिस इज द मेन थिंग ऊपर की एक्सरसाइज अभी आप नहीं कर सकते लेट्स सी हियर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस जो पूरा सेंटेंस बनता है तब उसका एक कोई कंप्लीट सेंस होता है मतलब उसका कोई मीनिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप ये सुनो फिर हम एक्सरसाइज करने वाले हैं द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस मतलब जैसे टिया इज डांसिंग तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या है कैपिटल टी ऑलवेज स्टार्ट सेंटेंस विद कैपिटल लेटर कभी भी हम सेंटेंस लिखेंगे ना बेटे आई एम गोइंग तो आई कैपिटल होगा शी इज अ गर्ल तो एस कैपिटल है जैसे टिया इज डांसिंग तो टी इज कैपिटल द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है अ सेंटेंस मोस्टली एंड्स विद द फुल स्टॉप मोस्टली क्यों लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे अभी हमने ईवीएस में करा है ना क्वेश्चन मार्क वे आर यू गोइंग व्हाट्स योर नेम तो उसमें फुल स्टॉप नहीं होता सिर्फ आंसर्स में और सेंटेंस में होता है सिंपल सेंटेंस में लास्ट में क्या लगाना है आपको फुल स्टॉप और फर्स्ट लेटर क्या करना है कैपिटल जैसे टिया इज डांसिंग अब आपने इसमें से देखना है अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एंड में फुल स्टॉप है तो आपको क्या लगा देना है फटाफट टिक कर देना है ना जैसे ये देखो पहला ही रॉन्ग हो गया फर्स्ट लेटर इज स्मॉल लेटर तो कुछ भी नहीं देखना बस आपको रॉन्ग कर देना और फुल स्टॉप तो है ही नहीं ये दो चीजें आपको चेक करना है ठीक है टिया इज डांसिंग देखो टी कैपिटल करेक्ट करेक्ट करते जाना फुल स्टॉप यस तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट नेस्ट बर्ड इन अ लिव्स अ देखो इसमें कैपिटल तो है बट लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है तो दिस इज रॉन्ग अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट देखो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर राइट लास्ट में फुल स्टॉप करेक्ट तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट सेंटेंस माई बेस्ट इज फ्रेंड अश्विन फुल स्टॉप भी नहीं है कैपिटल तो है तो दोनों देखते हैं ना हमें तो दिस इज रॉन्ग हाफ सेंटेंस है माई बेस्ट फ्रेंड इज अश्विन तो देखा आपने अश्विन के बाद में फुल स्टॉप लगा ना बेटे तो दिस इज करेक्ट मोहन वॉज देखो एम तो कैपिटल है बट फुल स्टॉप नहीं है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ये तो एम कैपिटल तो ठीक था बट फुल स्टॉप नहीं था तो दिस इज रॉन्ग मोहन वॉज सिंगिंग एम इज कैपिटल फुल स्टॉप इन द एंड तो दिस इज राइट ये मैम ने करी है अभी ठीक है ना आप नीचे की एक्सरसाइज आप करोगे कौन सी एक्सरसाइज देखो इन सबको पता है क्या कहते हैं कैपिटल लेटर जब हम लगाते हैं फुल स्टॉप इनको बोलते हैं पंग पंग पंक्चुएशन क्या बोलते हैं पंक्चुएशन जैसे ए कैपिटल बी सी जेड तक जो कैपिटल होता है और एंड में फुल स्टॉप इन दोनों को मिला के क्या बनता है पंक्चुएशन इसको क्या बोलते हैं पंक्चुएशन ठीक है बेटा यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स करेक्टली एंड रीराइट द फॉलोइंग रीराइट मतलब ये जो सेंटेंस हैं आपको दोबारा लिखने हैं इनमें कुछ गलती है यू हैव टू फाइंड द मिस्टेक ऑफ बुक राइट